तो जो जोन है, किस जोन में क्या होता है, किस जोन में मेल्टिंग होता है, मतलब बोले तो किस जोन में हमारा मेटल मेल्ट होता है, किस जोन में प्रीहीट होता है, किस जोन में हम कोल रखते हैं, किस जोन में गैसेस आते हैं, ये सब ऐसे ऐसे प्रोसेस होते हैं। तो उसको हमने टोटल ये 6 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहला है वेल। क्लियर, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जोन इनको पुला में वेल का, वेल जोन, और इसको आप कह सकते हैं कि वेल जोन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या है वेल जोन। वेल जोन जनरली जो कोपोला का जो बॉटम पार्ट होता है, वहां से बॉटम पार्ट से आपका जो विंड बॉक्स जो लगा है, ये विंड बॉक्स, ठीक है, इस विंड बॉक्स बॉटम पार्ट्स ऑफ नहीं ठीक है, आप अलग अलग आप बुक में देखोगे तो आपको अलग अलग दिखेगा। जनरली वेल जोन जो होता है हमारा सेंटर, जो नीचे वाला पार्ट होता है बॉटम, सबसे बॉटम पार्ट, उस बॉटम पार्ट से लेकर हमारे जो विंड बॉक्स हैं, इस विंड बॉक्स के पार्ट तक को हम वेल कहते हैं। इस जोन में जनरली होता क्या है, इस जोन में हम एक टेपर सैंड का यूज करते, सैंड रखा होता है एकदम बॉटम पार्ट में हमारा, सैंड रहता है और सैंड को हम एक टेपर स्लोप में रखते हैं ताकि जो भी मेल्ट मोल्टन मेटल नीचे आए तो वो स्लोप के थ्रू बाहर की ओर चला जाए, मतलब फोर्सली हमें ना निकलना पड़े इस जोन को, जहां मोल्टन मेटल रहता है, जहां सैंड का स्लोप बना रहता है, इस जोन को हम लोग नाम दिया है वेल जोन, जो बॉटम में होता है, एकदम बॉटम में कुपोला के जस्ट वेल जोन के ऊपर होता है कंबसन जोन। ये कंबसन जोन क्या होता है, इस कंबसन जोन में जनरली आपका जो आप इग्नाइट करते हो शुरू में, जो आपने उड डाला है स्टार्टिंग में, मैंने बताया था उड डालते हैं, उड डालने के बाद कोक और कोल डालकर इग्नाइट करते हैं, आफ्टर थ्री टू से दो से तीन घंटे बाद फिर हम अपना मेटल को चार्जिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जोन है यहाँ पे कंबसन जोन, इस कंबसन जोन में ही हमारा क्या लगा रहता है, ये ट्यूबर्स बने रहते हैं जिससे एयर अंदर की ओर आता है और वहां के जो भी मरीज को एयर देता है, जिससे एयर मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडाइज करता है अपने या तो बोले तो एब्जॉर्ब, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होते हैं जिससे हमारा गैसेस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बनता है यहाँ पे। क्लियर, तो इसका मैं डिस्कस करता हूँ कंबसन जोन पे, थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। जनरली जो ये जोन होता है 15 से 30 सेंटीमीटर अबव द वेल जोन के जस्ट होता है, 15-30 सेंटीमीटर बाद स्टार्ट होता है वेल जोन के। तो जितने आप एयर जो भी आप दे रहे हो विद द हेल्प ट्यूबर्स के थ्रू, जितना भी एयर अंदर की ओर दे रहे हो वो सारे एयर मतलब ऑक्सीजन ही है, वो ऑक्सीजन क्या होते हैं यहाँ पे कंज्यूम होने लगते हैं, कंज्यूम होके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और हीट हमें प्रोवाइड करते हैं। इस जोन का, कंबसन जोन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, इस जोन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है बोले तो 1540 से डिग्री सेल्सियस से टू 1840 डिग्री सेल्सियस तक, इतना सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी जोन में होता है। क्लियर, जैसे कार्बन है क्योंकि कोल वगैरह है, कार्बन है ये जब ऑक्सीजन को सोखेगा, शोक करेगा, और फ्रॉम एयर, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, फ्रॉम एयर से जो आता है, तो ये दोनों मिलने के बाद आपको जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CO2 प्लस हीट। क्लियर, जो कोल आपने डाला है वो कार्बन है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और CO2 प्लस हीट दे रहा है, और जैसे कोक वगैरह उसमें कुछ आया, आयरन ही उसमें है, उस पार्ट में कहीं आयरन के कुछ पार्ट्स आ गए हैं, तो मैग्नेस, ठीक है, 2 Mn मैग्नेस, ये भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और आउटपुट देगा क्या, MnO2, ये कैपिटल M, 2 MnO2 प्लस हीट, ये भी हीट दे रहा है। क्लियर है, उसके बाद जो हमारा SI है ये भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और ये भी हमारा SiO2 के साथ हीट देगा, ये गैसेस बन जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऐसे ऐसे सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ये सब बन गैसेस तो बन ही रहे हैं और साथ में देखो हमें हीट भी मिल रहा है, तो इसलिए इस जोन को हम लोग कहते हैं सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला जोन है ये। क्लियर, यहाँ पे इस जोन के बारे में यही है कि टेम्परेचर इस जोन का सबसे ज्यादा रहता है। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जस्ट ऊपर कंबसन जोन के ऊपर, कंबसन जोन के ऊपर वेल हो गया, मैं इसमें मार्क कर दे रहा हूँ,
जो हमारा होता जा रहा है, क्लियर। हमने वेल पढ़ लिया, कंबसन जोन पढ़ लिया। अब देखो जस्ट कंबसन जोन के ऊपर हमारा क्या होता है, अप्रोक्सीमेट बॉटम से 90 सेंटीमीटर के ऊपर अगर छोटा है, ठीक है 90 सेंटीमीटर ये बुक जो लिया है वो हो सकता है 3 मीटर का ही ले रहा हो तो बोला, तो जस्ट कंबसन जोन के ऊपर याद रखो, कंबसन जोन के ऊपर बोले तो बोला जाए तो आधे मीटर या फिर 30 से 40 जो सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट ये हमारा रहता है, 30 से 40 सेंटी ये जो जोन है दैट्स कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग जोन। रिड्यूसिंग जोन यहाँ पे क्यों नाम पड़ा है अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। रिड्यूसिंग जोन में बोल रहा हूँ, REDUCING, रिड्यूसिंग जोन, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेट कितना पहुंच जाता है 1600 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है यहाँ पे आपका 1200 डिग्री सेल्सियस तक हमारा इस जोन में टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, इसे इसका नाम रिड्यूसिंग जोन पड़ा। अब क्यों ऐसा हो रहा है, नीचे आपका हीट है, ठीक है नीचे वाला जो है कंबसन जोन उसमें टेम्परेचर 1800 चल रहा है, और ऊपर वाला जोन जस्ट उसके ऊपर जो जोन है उसमें आपका 1200 डिग्री, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जब इसमें हम कोक डालते हैं, कोक भी रहता है वहां पे, कोक को एब्जॉर्ब करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे बनता है और साथ में हीट रिडक्शन होता है, हीट का रिडक्शन होता है, क्लियर। थोड़ा सा और समझते हैं इस फॉर्मूले को बेस से। इस जोन में जो कंबसन जोन में जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमने देखा मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और हीट पैदा कर रहा है, तो जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो भाई जब निकल जाएगा तो हमको अमाउंट ऑफ मेटल तो नीचे कम मिलेगा ना, हम तो नहीं चाहेंगे कि भाई जितना हम डाल रहे उतना हमको मिलना चाहिए अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत लॉस के साथ, तो यहाँ पे मेटल क्या होते हैं ऑक्सीडाइज होने लगते हैं कंबसन जोन से निकलने के बाद, तो वो मेटल फुल्ली ऑक्सीडाइज बाहर ना निकल जाए तो उसके लिए हम ये टेम्परेचर कम करते हैं, तो जो मेटल ऑक्सीडाइज मेटल जो है या ऑक्सीडाइज जो गैसेस हैं वो कोक के साथ रिएक्शन करके हीट को वहां पे कम करता है, उस जोन में कोक रहता है हीट को कम करता है जिससे जो ऑक्सीडाइज मेटल है वापस वो अपने स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। और इसको प्रोटेक्शन जोन भी कहते हैं, एक और नाम से हम जानते हैं इसको, दैट्स कॉल्ड प्रोटेक्शन जोन, ठीक है। नाउ दो जोन और बचा है, उन तीन जोन और बचा है, अब हम जस्ट हमारा जो रिड्यूसिंग जोन है, रिड्यूसिंग जोन के ऊपर ही हमारा होता है मेल्टिंग जोन, ये मेल्टिंग जोन 1, 2, 3, 4 फोर्थ पॉइंट है मेल्टिंग जोन। तो आप ध्यान दियोगे इससे पहले जो हमने रिड्यूसिंग जोन बताया तो मैंने उसमें एक फॉर्मूला लिखा था कि CO2 जब कोक के साथ मिलता है, ठीक है ये जोन, तो देखो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई मेटल नहीं, ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक अभी फिलहाल मतलब थोड़े बहुत मेटल के कुछ कण डाले हैं, कोक के साथ जब मिलता है तब हमें CO2 के साथ हीट रिड्यूस होता है, हीट को CO2 ने H2CO के साथ हीट माइनस होता है, हमने ये पढ़ा था रिड्यूसिंग जोन में। अब जो ये CO जो निकल रहा है ये CO के हेल्प से हम जो आयरन डाले हैं बड़े बड़े आयरन के स्लैग जो हैं जो डाले हैं हमने आयरन, इस CO के हेल्प से हमारा वो आयरन मेल्ट होना स्टार्ट होता है मेल्टिंग जोन में। तो जो हमारा आयरन है दैट्स कॉल्ड 3Fe बैलेंस करने के लिए 2CO, तो जो निकलेगा हमारा दैट्स Fe3C प्लस CO2, ये क्लियर है। तो मेटल चार्ज मेल्ट्स इन दिस जोन एंड ट्रिकल्स डाउन थ्रू द कोक बेड टू द वेल, तो यहाँ जो मेटल हमने डाला है वो मेटल यहाँ पे हीट होता है मेल्ट होता है और जो आसपास जितने कोल वगैरह हैं या कोक है उसे ट्रिकल होके मतलब उसमें से छन छन के नीचे की ओर आके इकट्ठा होने लगता है, क्लियर। तो ये था हमारा मेल्टिंग जोन जहाँ पे मेटल हमारा रियल में मेल्ट होने स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्री हीटिंग जोन, प्री और अच्छा मेल्टिंग जोन का जो टेम्परेचर होता है इस जोन का टेम्परेचर वापस 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 1600 डिग्री सेल्सियस पे मेटल हमारा मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, प्री हीटिंग जोन। इस जोन में क्या होता है, प्री हीटिंग जोन में जो हमने चार्ज किया है, ठीक है
तो जस्ट हमारा मेल्टिंग जोन के ऊपर ही चीज होता है, और ये मेल्टिंग जोन कहाँ, मेल्टिंग जोन से स्टार्ट होता है हमारा प्री हीटिंग जोन, और कहाँ पे जाके खत्म होता है, तो चार्जिंग डोर का जो बॉटम पॉइंट है, चार्जिंग डोर का जो बॉटम पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड प्री हीटिंग जोन। ठीक है, तो इस जोन में जनरली क्या क्या रहता है, इस जोन में हमारे लेयर्स रहते हैं, मेटल रहता है, फिर उसके ऊपर कोक रहेगा, फिर कोल रहेगा, फिर मेटल रहेगा, ऐसे इस जोन में रहते हैं। तो जनरली ऐसा बोला जाए, कोल तो नीचे चला गया, जनरली इस जोन में जो प्री हीटिंग जोन है यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, यहाँ पे कोक कोल हमारे यही रहते हैं। तो कोल और कोक को जलने के लिए वो नीचे तक जाए फिर वो जले, तो इस प्री हीटिंग जोन में हमारा जो गैसेस निकल रहे हैं, जो गैसेस यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, वो गैसेस गर्म है, गर्म गैसेस के कारण हमारे यहाँ पे जो भी हमारे जलने वाले फ्यूल जो है, जो फ्यूल है कोकोला के, वो यहाँ पे प्री हीट होते हैं, ताकि वो निचली नीचे जाने के बाद इजिली जल सके। ठीक है, इजिली कम से कम टाइम में जल सके, तो उस गैसेस के हेल्प से हमारे इस जोन में जो भी कुछ होता है वो थोड़ा टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट होगा मेल्ट होना या जलना स्टार्ट होगा 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब ये प्री हीटिंग जोन में होगा, अब 80 डिग्री सेल्सियस पे तो अगर एक डायरेक्ट अगर जलाएं तो इसको नीचे से मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक जाओ तब फिर इसमें आग पकड़ेगा। ठीक है, पर प्री हीटिंग जोन में क्या कर रहा है, जो गैसेस हमारे निकल रहे हैं इसको जलने, जो गैसेस निकल रहे हैं उस गैसेस के हेल्प से ये ऑलरेडी ये 30 डिग्री सेल्सियस तक, ये समझ लो एग्जांपल दे रहा हूं, ये हीट हो जाता है। उसके बाद इसको 0 से 80 तक नहीं जाना पड़ता है, इसको यहां से इतना ही जाना पड़ता है आग पकड़ने के लिए। तो प्री हीटिंग जोन में जनरली जो भी सब्सटेंस है, जो भी फ्यूल है, जो भी सब्सटेंस हमारा है, वो प्री हीट होते हैं, ताकि वो नीचे इजिली कम से कम टाइम में अच्छी तरीके से बर्न हो सके। फिर लास्ट आता है हमारा स्टैक जोन। ठीक है, अच्छा, प्री हीटिंग जोन का जो टेम्परेचर है वो बहुत बहुत कम भी नहीं कह सकते हैं, बट इतना है कि 1150 के आसपास, अलग अलग बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 1150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्लियर, डिग्री सेल्सियस तक इस जोन का टेम्परेचर रहता है। एंड द लास्ट वन इज हमारा है स्टैक जोन। लास्ट है हमारा स्टैक जोन। स्टैक जोन कहां से शुरू होता है, प्री हीटिंग जोन जहां पे खत्म होता है, लास्ट वन इज स्टैक जोन। प्री हीटिंग जोन यहां पे खत्म हुआ, यहां से ये पॉइंट मतलब कोपोला फर्नेस के टॉप तक को हम कहते हैं स्टैक जोन। इसी स्टैक जोन से हमारा स्पार्क अरेस्टर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कि इस स्टैक जोन में जो भी गैसेस, फाइनली जो गैसेस बचे हुए गैसेस यहाँ से निकलते हैं, ये गैसेस जो निकलते हैं ये इस जोन में आते हैं, स्टैक जोन में जो भी गैसेस है वो नीचे से आकर स्टैक जोन में आते हैं, और यहीं से वो एटमोसफेयर की ओर रिलीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पार्क अरेस्टर। इसलिए इसका नाम है, जो गैसेस जो है मेन गैसेस ही यहाँ रहते हैं, जो एटमोसफेयर में रिलीज होने वाले होते हैं वो सब गैसेस, तो इनको मैंने जोन में रख दिया था स्टैक जोन। तो ये था ओवरऑल 6 जोन, वेल जोन, कंबसन जोन, रिड्यूसिंग जोन, मेल्टिंग जोन, प्री हीटिंग जोन एंड द स्टैक जोन। तो ये था हमारा ओवरऑल 6 जोन कोपोला कोपोला में। क्लियर, नाउ अब कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे कोपोला फर्नेस का, जाते जाते वो भी देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इसको ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो डिजाइन है वो बहुत सिंपल होती है। एडवांटेजेस में बता रहा हूँ, इसकी जो डिजाइन है वो बहुत सिंपल होती है। ठीक है, कॉस्ट कम होता है एज कम्पेयर टू अदर फर्नेस, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इनिशियल कॉस्ट इज वेरी लो। इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता, मेंटेनेंस भी कम कर लगता है, इससे ज्यादा मेंटेनेंस हमको नहीं करना पड़ता है। और जो फ्लोर स्पेस है, दैट्स लेस फ्लोर स्पेस, क्योंकि ये डायमीटर के से 4 गुना इसकी हाइट होती है, तो ये हवा को मतलब ऊपर की ओर ज्यादा लंबा होता है, और जो डाया है क्षेत्रफल जो मतलब बोलेगा इसका डाया जो हो गया फ्लोर के अकॉर्डिंग में वो कम होता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस बहुत खतरनाक है इसका। अच्छा, आप इसको चाहो तो कंटिन्यूअसली काफी देर तक आप वर्क कर सकते हैं इसके साथ,
कंटिन्यूसली काफी लॉन्ग टाइम तक ये काम करता रहता है, तो आप लिख लेना है। और इसको आप इजिली काफी दिन तक, बहुत दिन तक इसको मेंटेन करके आप रख भी सकते हो। बहुत दिन बाद इसको यूज करोगे तो ऐसा नहीं खराब हो गया, काफी दिन तक यूज कर सकते हो। मेंटेन एट लॉन्ग टाइम तक आप इसको मेंटेन करके रख भी सकते हो, रख भी उसके बाद भी यूज करोगे तो इस फर्नेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है अलग अलग जोन के, इसका पोलर टेम्परेचर है, उसको आप चाहोगे कंट्रोल करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, टेम्परेचर को कंट्रोल आप इसमें नहीं कर पाओगे। एक और इसमें बहुत बड़ा एडवांटेजेस है, ठीक है, हम एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को आप चाहोगे कि इसमें कम हो, ज्यादा हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार ये आग पकड़ लिया तो फिर तो पकड़ ही लिया, इसको टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते इस फर्नेस में। और दूसरा है जो मेटल की प्योरिटी यहाँ से मिलती है, मेटल या मोल्टेन मेटल बोला जाए, तो मोल्टेन मेटल की प्योरिटी जो है कम होती है, क्योंकि जो एस वगैरह है, कोल पार्टिकल्स हैं, स्लैग है, ये सब उसके अंदर मिले जुले रहते हैं। फिर जो निकलता है बाहर उसकी प्योरिटी कम होती है जो मोल्टेन मेटल, फिर उसको फिल्टर करो, फिल्टर करने के बाद फिर हम उसको यूज कर पाते हैं। तो ये सब थोड़ी सी इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है। फिर उसको फिल्टर करोगे, फिल्टर का खर्चा, और तब तक टेम्परेचर कम हो गया तो फिर मोल्ड में डालने से पहले ही सॉलिडिफाई हो गया। तो बहुत सारे, ये बहुत बड़ा एक था, इसीलिए आप नया टाइप का फर्नेस डेवलप किया गया, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ऐसा कोई भी उसमें डस्ट पार्टिकल मिलने का हमारे मोल्टेन मेटल से कोई भी ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है डायरेक्ट। अब काफी बार आप ऐसे यूट्यूब पे ही देखोगे तो आप इलेक्ट्रिक फर्नेस तो आपको मिल जाएगा। तो फाइनली चैप्टर यूनिट वन भी, कास्टिंग भी हमारा खत्म होता है, और ये कुपोला के भी सारे टर्म्स खत्म होता है। जो भी नोट्स वगैरह चाहिए इस पूरे चैप्टर के, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है, सारे के नोट्स अवेलेबल है, जिस नोट्स मैं भी पढ़ाता हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, सारी की सारी नोट्स आपको मिल जाएगी। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी और सामने फ्लैश भी कर रहा होगा, और जॉब अपडेट्स वगैरह सब हम वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। डेट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, अलग अलग राइटर के नोट्स, इसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के काफी अलग अलग राइटर के बुक्स भी अवेलेबल है सब हमारे वेबसाइट पे, तो विजिट करो एक बार। थैंक यू।